Hey guys, once again, welcome back to my YouTube channel, Medicure Buddy. In today's video, we are going to discuss a hyperfunction related disorder of adrenal cortex. And the topic for today is Cushing's disease or Cushing's syndrome. Okay, before we starting this, discussing this topic, friends, I want to inform you all that many of the topics related to practice of medicine are already available in the form of playlist. So, ek baar aap playlist section zarur visit karega. I'm sure you will find many useful informations there. Now, Cushing syndrome ka jo naam hai, ye doctor jo Sir Harvey Cushing hai, inke upar pada tha, jinhone is syndrome ko 1912 mein describe kiya tha. Is syndrome mein hota kya hai? बेसिकली जो एड्रीनल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स सेक्रेट करता है. तो जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, इसके एक्सेसिव प्रोडक्शन की वजह से ये क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं. इसमें क्या होता है, इसकी इटियोलॉजी अगर देखें तो दिस इज द टेबल दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. नाउ ACTH डिपेंडेंट एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है, इसकी वजह से अगर जो हार्मोन है वो एक्सेसिवली सिक्रीट हो रहा है तो ये 80% केसेस में देखने को मिलता है कि कोई पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर है उसकी वजह से कुशिंग सिंड्रोम हो गया, या फिर एक्टोपिक ACTH है उसकी वजह से ऐसा हो गया. जैसे कोई स्मॉल सेल कार्सिनोमा है लंग का, वो सेक्रेट कर रहा है ACTH, या फिर देयर आर अदर कार्सिनोमास लाइक थायराइड कार्सिनोमा या फिर फियोक्रोमोसाइटोमा, उसकी वजह से ACTH सेक्रेट हो रहा है. ठीक है, एक्टोपिक CRH कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भी कारण हो सकता है, बट बहुत रेयर कॉज होता है कुशिंग सिंड्रोम का. अब ACTH इंडिपेंडेंट क्या होता है, एक तो एड्रीनल ग्लैंड के हॉर्मोन्स को स्टिमुलेट करने वाला हॉर्मोन ज्यादा निकल रहा था उसकी वजह से हो सकती है कुशिंग्स डिजीज, या फिर उसके इंडिपेंडेंट. तो ये होने की चांसेस 20% होती है. एड्रीनल ग्लैंड में कोई ट्यूमर बन गया, कार्सिनोमा हो गया, उसकी वजह से कई बार ये चीज देखने को मिल जाती है. कई बार कोई पर्सन है जो ओरल और पेरेंटेरल स्टेरॉइड्स ले रहा है, ये भी एक बहुत कॉमन इटियोलॉजी होती है किस चीज की, कुशिंग सिंड्रोम की. नाउ लेट्स सी द क्लिनिकल फीचर्स. ठीक है, तो द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ CS रिजल्ट्स फ्रॉम इफेक्ट्स ऑफ एक्सेसिव लेवल ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ऑन द बॉडी. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जब बॉडी में ज्यादा होते हैं तो हमें ये क्लिनिकल फीचर्स ऑब्जर्व होंगे. क्या क्लिनिकल फीचर्स, इंक्रीज इन बॉडी फैट, मेनली ट्रंकल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, मतलब जो ट्रंक वाला रीजन है वहां पर बॉडी फैट का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा. सेंट्रल ओबेसिटी देखने को मिलती है, एब्डोमिनल फैट, पर्सन का पेट निकला हुआ होगा, राउंड फेस या फिर उसको मून फेस भी कहते हैं. फैट डिपोजिशन देखने को मिल सकता है नेक में, जो कि बफेलो हम्प के नाम से जाना जाता है. जो प्रोटीन्स है उनका ब्रेकडाउन होने लगेगा, रिजल्टिंग इन मसल वास्टिंग, मसल मास जो है वो कम होने लगेगा, रिड्यूस्ड होने लगेगा लिम्ब्स का. ये सारे फीचर्स जो है, ये फीचर्स इंपॉर्टेंट है डिस्टिंग्विश करने के लिए कुशिंग सिंड्रोम को जो सेंट्रल या फिर एक्सोजेनस ओबेसिटी है उससे. उसके अलावा क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है, फंगल स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स देखने को मिल सकते हैं. नाउ कुशिंग्स डिजीज इज मोर कॉमन इन फीमेल्स ऑफ द एज 20 to 40 इयर्स. हाइपर पिगमेंटेशन ऑब्जर्व हो सकता है पेशेंट्स में, मतलब स्किन जो है उसमें डार्कनिंग देखने को मिलेगी. कई बार एक्टोपिक ACTH वी हैव सीन इन स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग्स, जिसकी वजह से वेट लॉस देखने को मिल सकता है, हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिल सकता है. ठीक है, अब हम इसकी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखते हैं. तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो होता है वो दो पार्ट में होता है. बेसिकली आपको क्या समझना होगा, ये
जो टेबल है, ठीक है। तो अगर जो कुशिंग सिंड्रोम है, कुशिंग सिंड्रोम है, इसमें सेंट्रल ओबेसिटी और हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन ये सब मिल रहा है, तो हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ स्टेरॉइड्स है या नहीं है। अगर है तो वो एक्सोजेनस कुशिंग सिंड्रोम का केस है, अगर नहीं है तो हम कुशिंग सिंड्रोम को कंफर्म करेंगे, पहले प्लाज्मा एसीटीएच का टेस्ट कराएंगे। अगर एसीटीएच बढ़ा हुआ मिल रहा है या फिर ज्यादा मिल रहा है तो वो एसीटीएच की वजह से कुशिंग हो रहा होगा। अगर एसीटीएच कम मिल रहा है तो हम देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो एड्रीनल ग्लैंड है उसी में कोई ट्यूमर हो, तो हम सीटी एड्रीनल कराएंगे, उसमें हमें एडिनोमा, कार्सिनोमा या हाइपरप्लेजिया अगर एड्रीनल ग्लैंड में है तो वो देखने को मिल जाएगी। अगर एसीटीएच डिपेंडेंट कुशिंग था तो हम पिट्यूटरी ग्लैंड का एमआरआई कराएंगे कि देखेंगे कहीं पिट्यूटरी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर पिट्यूटरी एडिनोमा निकल गया तो ठीक है, मान लीजिए उसकी वजह से हो रहा था। अगर नहीं है पिट्यूटरी ग्लैंड में एडिनोमा, देन वी गो फॉर सीटी थोराक्स एंड अब्डोमेन, जिससे हमें पिट्यूटरी एडिनोमा है तो उसका पता चल जाएगा, क्योंकि वो हाई रेजोल्यूशन होता है। और उसके अलावा हम क्या करा सकते हैं, अगर कोई पेरिफेरल ग्रेडियंट नहीं मिल रहा है सीटी स्कैन में तो हमें पता चल जाएगा दैट ये एक्टोपिक एचसीटीएच का केस है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना, स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग, वहां पे एसीटीएच बाहर से आता है और उसकी वजह से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बढ़ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये था डायग्नोसिस की, कैसे करोगे आप किस चीज की, कुशिंग्स डिजीज की। नाउ आप देख सकते हो दैट कुशिंग्स डिजीज में मैंने आपको जो बताया था स्ट्री का ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है कुशिंग्स डिजीज के पेशेंट में, वो आप देख सकते हो दैट दीज आर ऑब्जर्व्ड ऑन द स्किन, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दिस इज इट अबाउट टुडे सेशन इन विच वी हैव डिस्कस्ड हाइपर फंक्शन ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स, अंडर विच वी हैव डिस्कस्ड कुशिंग सिंड्रोम। आई होप आई मेड यू ऑल अंडरस्टैंड। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।